जैसा कि गणेश चतुर्थी आने वाली है और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट मोदक रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आगे आने वाले न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। बेसन के मोदक बनाने के लिए ये लिया है हमने एक कप छना हुआ बेसन, आधा कप शुद्ध घी, 3/4 कप कद्दूकस किया हुआ गुड़, 2 टेबलस्पून कद्दूकस किया हुआ नारियल, 1 टेबलस्पून बादाम, 1 टेबलस्पून पिस्ता। इनको हमने अच्छी तरह से बारीक बारीक काट लिया है। ये लिया है हमने 1 टेबलस्पून तरबूजे के बीज और थोड़ा सा इलायची पाउडर। मोदक बनाने के लिए हमने ये एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे घी। ये जो घी है हमने 3 टेबलस्पून के लगभग घी लिया है, इसमें से 2 टेबलस्पून घी हमने डाल दिया है और 1 टेबलस्पून के लगभग घी हमने बचा के रखा है। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें अब डालेंगे हम बेसन। इसे हम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। बेसन को हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है। जो हमने घी बचा के रखा था उसमें से 1/2 टेबलस्पून घी और हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल, बारीक कटी हुई पिस्ता, बारीक कटे हुए बादाम। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इन्हें चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। इन सभी को हम इस बेसन के साथ अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए बेसन अच्छी तरह से सिक गया है और इसमें से थोड़ी थोड़ी अरोमा भी आने लगी है। बस हम इसे थोड़ी देर के लिए और रोस्ट करेंगे। ये देखिए बेसन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो गया है और इसमें से बहुत अच्छी सी अरोमा भी आने लगी है। बेसन हमारा सिककर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। हम इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चलाते रहेंगे क्योंकि पैन हमारा अभी गर्म है और बेसन जो है इसके बॉटम में लग सकता है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। बेसन अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे गुड़। यहाँ पर गुड़ की जगह आप पिसी हुई चीनी या शक्कर बूरे का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। गुड़ को हमने बेसन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मोदक बनाने के लिए हमारा डो बनकर तैयार है। अब हम इससे मोदक बनाना शुरू करेंगे। ये लिया है हमने एक मोदक मोल्ड। ये जो हमारा डो है इसको हम इस मोदक के मोल्ड के अंदर फिल करेंगे। इसे हमें इस तरह से अच्छे से प्रेस करके और फिल करना है। ये देखिए अब हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे। ये देखिए आराम से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा मोदक बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए आप देख सकते हैं
बहुत ही अच्छा मोदक हमारा बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह हम हमारे सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेंगे। हम मोल्ड में थोड़ी सी घी से ग्रीसिंग कर लेंगे। वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम थोड़ा सा इसको ग्रीस कर लेते हैं तो मोदक जो है वो इजीली बाहर आ जाएगा। ये देखिए गणपति जी को भोग लगाने के लिए हमारे मोदक बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये मोदक बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। मोदक बनाते समय अगर आपको इसका डो थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप उसके अंदर एक टेबल स्पून मिल्क या एक टेबल स्पून घी ऐड कर दीजिए तो आपके मोदक जो है वो बहुत ईजीली बन जाएंगे। आप भी इन मोदक को अपने घर पर गणपति जी के लिए बनाएं और उन्हें भोग लगाएं और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आप अपने सजेशंस और फीडबैक भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।